तो आप एक बार इधर दिखा दें, देखो जी, इनका जी। ये है, ये देखो कितना मजबूत है, बहुत काफी मजबूत इन्होंने लगाया है। और इस पे आप ये जब घूम के चढ़ के देखिए अच्छी तरह, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजबूती से लगाया है। अभी दरअसल भैया मैं जिला बिजनौर के नारायणपुर रामजी और तहसील नगीना का रहने वाला, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मेरा मोबाइल नंबर 8057890 और 872 है। मैंने काफ़ी दिन पहले से यूट्यूब पे सर्च किया तो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, उसको मैंने रिसर्च किया तो यूट्यूब पे बताई मुझे 17 रुपये 18 रुपये वाट, और फिर मैंने रियल में पता किया तो 20 21 22 तक बताई मुझे। कई तो कंपनी वालों ने भी मुझे ऐसे ही बताया, फिर मुझे ये मिले फरमान भाई तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मेरा जो ये इंस्टॉलेशन किया है इसका, सौर ऊर्जा का मेरी चक्की लगेगी जो ऑटोमाइज का पल्वेलाइजर है, ये पार्ट वन बन रहा है अभी, केवल ये फिक्स हुआ है, मतलब इंस्टॉलेशन हुआ है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट इंस्टॉलेशन हुआ है। हाँ। और जो चक्की अभी इनकी वो है नहीं स्टॉक में, अभी है नहीं। हाँ। आ रही है। हाँ। तो वो आ जाएगी तो पार्ट टू आ जाएगा। तो हाँ। पार्ट वन में जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो भैया के सोलर मॉड्यूल लगे हैं वो स्पार्क के 600 वाट एन टाइप टॉपकॉन सीरीज में 23.5 एफिशिएंसी का सोलर मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। तो भैया से हम पूछ लेते हैं, भैया हमने आपका काम कैसे करके दिया और आप हमको कितने समय से फॉलो कर रहे थे वो एक बार भैया और मैं बता दूं। पहले तो आप एक बार इधर दिखा दें, देखो जी, इनका जी। ये है, ये देखो कितना मजबूत है, बहुत काफी मजबूत इन्होंने लगाया है। और इस पे आप ये जब घूम के चढ़ के देखिए अच्छी तरह, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजबूती से लगाया है। अभी दरअसल रियल जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो तब रहेगा, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन बाद मेरी ऑटोमाइज की जो पल्वेलाइजर है वो आएगा जी जी, और वो चला के यूज करने के बाद और भी जैसे भी रिएक्शन रहेगा वो पार्ट टू में आ जाएगा। ये पार्ट वन है, पार्ट वन में, यानी कि ये इनका कहने का मतलब है हम पार्ट वन में जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भी इंस्टॉलेशन कितना अच्छा क्या है। स्ट्रक्चर जो हमको ऑफिस हमारे विजिट करने के लिए आए थे वो स्ट्रक्चर ही इनका हमने लगाया था जो इन्होंने चॉइस किया था। और इस पार्क के टॉपकॉन के 600 वाट हमने सोलर पैनल लगाए हैं, 16 सोलर पैनल है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से हर एक मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन किया है और हर एक मॉड्यूल को एकदम सीरियल वाइज यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है और काफी बढ़िया तरीके से हमने इंस्टॉलेशन किया है। पूरी वायरिंग उतार दी है और 20 HP का इनका BFD ड्राइव है और पूरा, यानी कि पूरा सोलर सिस्टम ही हमने लगाया है। और अब पूछ लेते हैं जो ये पल्वेलाइजर लेकर आए हैं वो उनको क्या बताया था, इनको जहां से लेकर आए थे उसके बारे में एक बार बता दो भैया। जो नए आदमी सोचते हैं कि यार अपना अगर मैं सोलर लगाऊं तो आटा चक्की लूं या पल्वेलाइजर लूं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है और काफी लोग कमेंट्स में पूछते भी हैं कि ऐसा तो नहीं यार आटा चक्की ले लूं तो बिजनेस चले नहीं चले या पल्वेलाइजर में लेने में चले नहीं चले, तो उसमें आपको भी क्या अनुभव रहा? देखो मैं जहां तक, पहले तो मैं पैनल के बारे में बता दूं थोड़ा सा, इसकी जो एफिशिएंसी है जी जी वो 23 कुछ है जी जी, वो एक बार यहाँ हम दिखाएंगे भी वीडियो में। हाँ। यहाँ पूरा एक स्पेसिफिकेशन है वो हम आपको जेन्युइन दिखाएंगे भी। तो खासकर जो चक्की लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा उसके लिए जी जी। 23 कुछ एफिशिएंसी यानी इसकी क्षमता ज्यादा से ज्यादा धूप को एब्जॉर्ब करके करंट निकालना जी। अच्छा, दूसरी बात ये रही पल्वेलाइजर की, और उसकी पल्वेलाइजर में ऐसा होता है जो चक्की होती है उसमें 2-3 समस्या होती है। पहली तो जो स्टोन यानी पत्थर होता है वो जब घिसता है तो उसको जो काट काट के पहले वो उसकी धारी बनाते हैं तो फिर वो घिसता वो स्टोन उसमें चला जाता है आटे में जी जी जी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि आटा जलता है, बिल्कुल। तीसरी समस्या होती है कि जो चक्की वाले होते हैं तो वे 15 दिन 20 दिन 30 दिन तक भी सफाई करते हैं जब उसका स्टोन घिस जाता है तब, तो उसमें गंदगी होती है। तो काफी चीजें हैं मतलब चक्की के। हाँ हाँ, या जैसे बरसात के मौसम में उसमें मॉइस्चर वगैरह आता है, सीलन वगैरह, अगर जैसे आटे चक्की 2 दिन नहीं चलाए तो उसमें मॉइस्चर वगैरह आता है, वो सारा काम में जाता है आटे में ही जाता है। हाँ, तो और पल्वेलाइजर में क्या चीज है ये भी एक बार बता दो। सर पल्वेलाइजर का तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मेरा अभी आया नहीं है, अभी मैं उसका एक्सपीरियंस पार्ट टू में बताऊंगा। पार्ट टू में एक्सपीरियंस आ जाएगा वो तब बताऊंगा, अभी तो रियल यही है कि मुझे काफी मजबूत लगा इसकी एफिशिएंसी। अभी भैया ने दिखाए भी थे तार ऐसे यूं लगा के तो इनको करंट इतना वो आग सी निकल रही थी। तो एक बार कैमरामैन जो मॉड्यूल है
उसका यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन दिखा दिया जाए। पास में आओ, थोड़ा पास में आने के बाद पूरा यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम पहले कंपनी का टैग नजर आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 600 वाट आएगा, उसके नीचे बोल्ट, बीओसी, एफिशिएंसी, सारा कुछ यहाँ आएगी। एफिशिएंसी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एफिशिएंसी है, नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल इसकी 45.2 प्लस सेल्सियस, यानी इतनी डिग्री जो है गर्मी बर्दाश्त करने की इसकी नॉर्मल क्षमता, नॉर्मल है। हाँ, और यहाँ देख सकते हो ये एफिशिएंसी है। हाँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो दिखा रखा है, यहाँ पे ऑपरिंग टेम्परेचर यानी के 40 डिग्री -40 डिग्री, तो यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, ये तो फिर नहीं पहुँचेगा, मतलब ज़्यादा ही कहीं। हाँ। अगर ठंडा एरिया, वहाँ तक ये काम करने का इसके अंदर इतनी क्षमता है कि 40 डिग्री माइनस में भी अगर सोलर का करंट डाउन होता है, सूरज का करंट डाउन होता है, फिर भी ये जनरेशन देगा। हाँ, और 85 डिग्री में, यानी के अगर आपने अंडा फोड़ के इस तरह अगर उसको अंडे को डाल दिया, तो वो भी एक उसकी ऑमलेट बन जाएगी, वहां भी ये मॉड्यूल काम करेगा। और स्ट्रक्चर जो है, ये भी जो है वो है जीआई का, जीआई स्ट्रक्चर है, काफी मजबूत लगा मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए भैया, हमने इंस्टॉलेशन किया है, तो हमारे काम के बारे में और बता दो, मजबूती और फिनिशिंग और किस तरह से हमने करा है। अरे ये क्या बताऊं, बताओ मैं इसको क्या बताऊं मैं, देखो ये बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत। तो दोस्तों, इसका पार्ट टू जब आएगा, जब इनका भैया का पल्पलाइजर आ जाएगा, और पार्ट टू में ये खुद भैया अपने व्हाट्सएप से हमको वीडियो बना के भेजेंगे। पार्ट टू इनका जल्दी आने वाला है दोस्तों, वीडियो में बने रहना। पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों।